वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो जी, मंशा पाशा के हस्बैंड जिब्रान नासिर, जिन्होंने दुआ ज़ारा के केस में काफ़ी हेल्प की थी उनके पेरेंट्स की दुआ ज़ारा को बाज़ियाब करवाने में, उनको अगवा कर लिया गया है। और ये सैड न्यूज़ मंशा पाशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फैंस के साथ शेयर की, उनसे दुआ की भी अपील। मेरा नाम मंशा पाशा है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैं और मेरे शौहर जिब्रान नासिर, जो एक बहुत एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उनको कुछ लोग उठा के लेके गए। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने, एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीवो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके और ऑलमोस्ट क्रैश करके, तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ, उन्होंने ज़बरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। और मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाएं और दुआ भी करें कि मेरे शौहर जल्द घर वापस आ जाए। मंशा पाशा के हस्बैंड को किसने किस मकसद के लिए अगवा किया ये तो अभी तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन उनके हस्बैंड जहाँ कहीं भी हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो मान में रखें। सो ये थी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।